गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, ये वीडियो कुछ एडवेंचरस टाइप या जो नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं उनके जैसे नहीं होने वाली है। यहाँ के अपने एक सब्सक्राइबर हैं नथुलाल, और नथु भाई ने मुझे ईमेल भेजा, अगर आपका पोखरण में आने का प्लान है तो मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब नथु भाई ने ऐसा लिखा था कि भाई मैं पोखरण में एक रिसर्च कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे रेगुलर मिसाइल के टेस्ट होते हैं या फिर जो 1998 में या 1974 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, उस टाइम पर क्या सिचुएशन हुई थी और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास क्या गाइडलाइन आई थी, वो सारी बातें। वैसे तो मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं पोखरण के आसपास जो गांव है उनके अंदर जाऊंगा और लोगों से बातचीत करूंगा कि भाई उस टाइम माहौल कैसा था, जो आसपास के गांव थे उनको इन्फॉर्म किया होगा या फिर आसपास के जो गांव है वो खाली भी कराए होंगे। तो इन्हीं सारी बातों पर मैं आज बात करने वाला हूँ। नथु भाई का जो गाँव है वो जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी उसके आसपास ही पड़ता है, और अभी हम आ रखे हैं चाचा विलेज में, जो पोखरण से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पर नथु भाई की मौसी जी रहती हैं और उनके मौसा जी, और वो हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि उन्होंने उस टाइम क्या फ़ील किया था, क्या क्या गाइडलाइंस आई थी और क्या क्या हुआ था। क्योंकि जो हम न्यूज़ में सुनते हैं वो तो सिर्फ एक पार्ट है स्टोरी का। पहला पार्ट तो कि भाई हाँ, हमारी कंट्री ने जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आए थे, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी, किन किन बातों का ध्यान रखा गया था, और जो सिविलियंस थे उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आए थे। और तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो नथु भाई हैं उनसे। नथु भाई आर्किटेक्ट के स्टूडेंट हैं और नथु भाई यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो यहाँ के घर थे उनके ऊपर, वो नथु भाई ढंग से समझा पाएंगे, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मिलिए नथु भाई से। नथु भाई एक बार आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में कैसे क्लिक हुआ और सारी बातें। मैं यहाँ से लोकल हूँ मतलब, लेकिन पापा फर्नीचर का काम करते थे तो उनके साथ नागपुर शिफ्ट हो गए थे मतलब। जब मैं हुआ तो उसके बाद मतलब कि इसको पढ़ाना है तो मैं भी उनके साथ। तो पैदा आप यहाँ पे हुए थे? किधर? पैदा यहीं पे हुआ था। और लेकिन सब कुछ जो भी काम हाँ, और भाई आपके कर्म भूमि हाँ, सब वो सब वहीं पे है। कर्म भूमि वही है नागपुर में। हाँ, तो आपके दिमाग में कैसे आया ये जो अभी आप रिसर्च कर रहे हो और किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो वो बता दीजिए एक बार आप। हाँ, तो मतलब मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो जो पोखरण टेस्ट रेंज है, पोखरण टेस्ट रेंज में जो भी आर्टिलरी प्रैक्टिस होती है जो अपनी इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की जो भी प्रैक्टिस होती है वो यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खाली इलाका है तो उस हिसाब से उनके लिए वो बेस्ट लोकेशन है। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो इस पे है कि जो उनकी प्रैक्टिस के कारण जो ग्राउंड वाइब्रेशंस गांव में आते हैं उनके कारण मतलब भले ही वो माइनर क्रैक माइनर वाइब्रेशंस होते हैं लेकिन उसके कारण धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स में क्रैक आने लग जाते हैं। जैसे अभी ये पत्थर का स्ट्रक्चर है तो इसकी लाइफ कम से कम 100 साल से ज़्यादा होती है। जैसे हम फोर्ट्स वगैरह देखते हैं और यहाँ के मिशनरी मतलब लोकल मेसन्स ही बनाते हैं तो इसकी लाइफ मतलब आराम से ज़्यादा होनी चाहिए 100 से ज़्यादा, लेकिन इसके कारण धीरे धीरे वो डिटेरियरेट होते होते उसके छोटे छोटे क्रैक्स और वीक होते होते कितना फर्क पड़ जाता है, हाफ लाइफ हो जाती है किससे? एग्जैक्टली तो ऐसा प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है कि अलग अलग शो के साथ। हाँ, तो ये प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है लेकिन मेरा जो रिसर्च बोलता है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर लाइफ स्पैन है स्ट्रक्चर्स की वो कम हो रही है। और रेडियस कितना होता है जो आपने रिसर्च में बताया था कि लगभग कितने रेडियस तक फील हो सकता होता है? मैंने इसका रेंज का फोकस निकालने के बाद जितना कांटेक्ट किए हैं अलग अलग गांव में उनसे पता मतलब 50 किलोमीटर तक उनको कम से कम साउंड तो भी आता है उसका, और उसके बाद कम से कम 30-25 किलोमीटर तक उनको वाइब्रेशंस आराम से फील हो जाते हैं। और इसमें वाइब्रेशन जल्दी ट्रैवल करते हैं फिर साउंड जल्दी ट्रैवल करते हैं आपके हिसाब से? मेरा जितना मैं यहाँ पे एक दो बार ही एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज़, तो वाइब्रेशंस पहले आते हैं फिर साउंड आते हैं। अभी हम हैं चाचा गांव में, ये है जो टेस्ट रेंज है वहाँ से जो सेकेंड क्लोजेस्ट विलेज है। तो पहला जो विलेज है वो खेतुलाई है और दूसरा ये है, तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए आप, मेन जो ये ढांचा खड़ा है ये पत्थरों के ऊपर खड़ा है और बाहर इसके ऊपर जो मिट्टी और गोबर का मिक्स, मिट्टी और गोबर का मिक्स। और लगभग इस साल में कितनी बार करना पड़ जाता है? बारिश के बाद एक बार तो भी करना ही पड़ता है और बाकी तो
साल में 2-3 बार आया था। सीलिंग बहुत छोटे होते थे इन पुराने मकानों में। ये सीलिंग मतलब जैसे देखो इसको मिट्टी का ढांचा खड़ा कर दिया, उसके बाद एक बड़ा राफ्टर डाल दिया, उसके बाद ये पूरा लकड़ी से सीलिंग की है। और ये तो मतलब इसी के कारण मेन, क्योंकि सबसे ज्यादा धूप तो इसके जो ऊपर वाला रूफ है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी के ऊपर आती है। तो इसके ऊपर क्या क्या, जैसे ये लकड़ी हो गई, लकड़ी के ऊपर ये देखो बोरी है, ये अपने जूट वाली, जूट वाली बोरी है। उसके बाद फिर ऐसा ही कुछ जो फैब्रिक हो गया वो डाल दिया, उसके बाद वापस से जैसा बाहर किया हुआ है। तो गाइस अभी हमारे साथ में है नथु भाई के मौसा जी। जी आपका नाम क्या है? चन्ना राम जी। चन्ना राम जी, और आपकी एज क्या होगी अभी? मेरी 42 हो गई। 40 और 2 42 42। तो आपको पहले वाला भी न्यूक्लियर टेस्ट याद है क्या, जब इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था? वो नहीं था मेरे को उतना याद नहीं। और कभी भाई आपके जो था हुआ था ना, वो इतनी जानकारी है कि परमाणु हुआ था, जो ये कंपन हुआ उसके बारे में कंपन ओपन नहीं हुआ वो जानकारी नहीं थी, ये क्या हुआ। अच्छा, लोगों ने सोचा कि भूकंप, समझ भी नहीं, भूकंप आ गया, बोल गए पृथ्वी घूम गया। अच्छा, तो आपके जो भाई आपके पिताजी हैं या फिर जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं वो कुछ बताते हैं उस टाइम के बारे में? वो टाइम के बताते हैं परमाणु किया है, लेकिन उसका ये नहीं मालूम है कि ये हुआ है तरीका। अच्छा, उनको इतना आइडिया नहीं था? आइडिया नहीं था। तो वो दिन याद है आपको जब हुआ था ये 1998 वाला? आपको 1974 वाला तो उसका कोई बात याद नहीं है? याद नहीं। जब लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर जब हुआ 1998 में, हुआ था लेकिन वो जानकारी नहीं थी हमको कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे इक्के दुक्के गाँव को पता चला था। हाँ, इक्के दुक्के गाँव। और उस टेस्ट साइड के मतलब कि आसपास कितने गांव पड़ते हैं लगभग? लगभग यहाँ से कितुलाई है, चाचा है, ये उडानिया है, ये द्वार की बिगरा, ये 5-6 गाँव पड़ते हैं हमारे रेंज के बाजू में। उस दिन का आप बताइए जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ लगभग कितने बजे हुआ होगा? वो लगभग 9:30 के बीच में, सुबह सुबह के। तो उस टाइम भाई आप क्या कर रहे थे और आपको पता नहीं था बिल्कुल भी क्या होने? पता नहीं था, सुबह चाय पी रहे थे। हाँ, चाय के टाइम में मैं तो थोड़ा बहुत गाय का भी कर कुछ काम किया, तो फिर चाय पी रहे थे, ऐसे बैठे थे, दीवार की तरफ पीठ लगा गए तो दीवार ऐसा कंपोज हो रहा था, और ऐसा पता करा सब लोग बाहर निकले भाग के, तो कोई लोग बोला कि सुबह आर्मी वाले बोल के गए, किसी को मालूम नहीं था, किसी को ये था। तो आर्मी वाले जो लोग बता रहे हैं कि आर्मी वाले बोल के गए थे, तो आर्मी वालों ने बोला क्या था? समझो गांव के बीच में आके नहीं बोला। अच्छा, रोड के एकदम साइड में, रोड के जैसे हाईवे जा रहा है तो हाईवे पे आके एक बंदे को बोल के चले गए, बंदे को बोल के चले गए, बाकी गांव में आके ऐसे नहीं बोला कि भाई आज होने वाला, सारे इकट्ठे हो जाओ और बाहर निकल जाओ घर से बाहर, चाचा गाँव के अंदर किसी को नहीं बोलता। इक्के दुक्के को पता तो ऐसा बोला था कि भूकंप आएगा, ऐसा भूकंप नहीं, सिर्फ वो जानकारी नहीं दी उन लोगों ने ये चीज करेंगे, सिर्फ टाइमिंग दिया था कि 9 से लेकर 10 बजे के बीच में कोई घर के अंदर मत रहो। हाँ, पर एक हिसाब से वो बता भी नहीं सकते थे न्यूक्लियर की भाई, क्योंकि उस टाइम किसी को जानकारी नहीं देने, कि उस टाइम आपको पता होगा कि भी यूएस जो अमेरिका था ना उसने भी ऊपर सैटेलाइट से वो सर्विलेंस कर रहा था, किसी सारी को ये चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, ऊपर से कुछ गिरेगा कोई भी नहीं बताया, सिर्फ बाहर रहने का, क्योंकि बहुत सीक्रेट मिशन था, बहुत ज्यादा सीक्रेट था, किसी को बता नहीं सकते। तो जब आप बता रहे हो कि जब आप दीवार के पास में खड़े थे, दीवार में कंपो नहीं, तो दीवार में क्रैक आ गए थे क्या? दीवार में नहीं आया, लेकिन मेरा मकान है, मकान के अंदर ये आगे दरार और बाहर में पानी का ओद बनाया हुआ टंकी, हाँ, उसके अंदर दरारें आ गई थी। अच्छा, और हमारे गांव के बाजू में खान के अंदर पूरा ऐसे मिट्टी पूरा ढह गया। अच्छा, धस गई थी अंदर? पूरा धस गया, ऐसा तालाब बन गया। अभी पास में है क्या वो? पास में ही है, नजदीक ही है, ये समझो रोड से इस साइड वाला देख सकते हैं उसको, देख सकते हैं। पहले एकदम जमीन के लेवल के बराबर, पहले जमीन के लेवल ऊपर ऊपर है। हाँ, तो ऊपर से हजारों टैंक भी गई, बड़े बड़े गाड़ियां भी जाती थी। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा था, अंदर पानी भी जाता था, लेकिन वो टाइम समझो ये हुआ ना, डह गया समझो ऐसा काफी जगह। और वो होने के बाद भी, न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद आर्मी या फिर जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, यहाँ के सरकारी अफसर आए थे गाँव में? कोई नहीं आया, हमारे चाचा गाँव के अंदर को नहीं, खितुले में एक दो जनों ने ऐसे भाग उठाया, उन्होंने भाई आवाज उठाई तो उन लोगों ने पैसे लेके गुजरे। तो सबसे नजदीक खितुला गाँव पड़ता है? खितुले और चाचा और लोअर की। अच्छा,
अच्छा, ये सबसे नजदीक है? नजदीक। तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा वो इन्हीं गाँव में हुआ है? सबसे गांव में चाचा मैं अलवर की में, इन लोगों को अभी सुनन ये भागदौड़ करने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं, तो ये लोगों को कुछ फायदा नहीं था। मकान ढह गया तो मैं रिपेयरिंग खुद करवाया। और मकान कितने ढहे होंगे आपके हिसाब से? मकान तो जब जो ढहे नहीं, दरा रहे आगे, दरा रहे, ऐसे कोई मकान गिरा नहीं था? गिरा नहीं था, क्योंकि सिर्फ ऐसे पानी की लहर जैसे ऐसे दो तीन बार ऐसा हुआ, तो जब जमीन ऐसे जैसे सांप अंदर से गुजर रहा है ना, उस टाइप ऐसा हुआ। और ऐसा हुआ था क्या? अभी कई लोग बोलते हैं ऐसा झूठ है, और कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ था कि जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके बाद में, न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद क्या होता है कि रेडिएशन होती है उस जिस चीज़ से करते हैं, और रेडिएशन हमारे शरीर के ऊपर, हमारे अंदर रेडिएशन हुआ। हाँ, किसी को खुजली होता था, किसी का आँख ऐसा सूजन टाइप ऐसा हो गया। हाँ, और ये कितने दिनों तक चला था ये वाला? ये करीबन 8-9 महीना चला था ये, कि भी किसी खुजली वाला आँखों में, समझो मेरे को खुजली हो गया। हाँ, तो दूसरे को कुछ ऐसा खुजली होके सड़ गया, और बाकी अभी दरारे बिगड़े टाँकी के अंदर ये आई, और जो हमारे गांव से बाजू में है हो गया वहाँ, तो वहाँ है, तो अभी समझो अपन जा भी नहीं सकता, ऐसे पूरा तालाब जैसे पूरा जहाँ हुआ है ना। हाँ, वो आज तक 24 घंटा वो भरा हुआ ही रहता है, पूरा झील जैसे झील बन गई। और उस एरिया में जा नहीं सकते ना कोई भी? मैं वो एरिया में जाने नहीं देते, लेकिन मैं एक बार मेरे गाय लेने गए थे तो पूरा ऐसा झील जैसा है। कब गए थे आप, कितने टाइम पहले? मेरा 2 साल हो गए, मैं एक ही बार उधर गया। वो आपकी गाय वहाँ चली गई होगी? वहाँ गाय चली गई थी, तो मैं गया, पूरा ऐसा झील जैसे पूरा भरा हुआ है, पूरा ऐसा गड्ढा है। ये तो हो गया कि भाई ये जो आपने पहले वाला सारा सीन बताया। हाँ जी, आजकल भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती होंगी? होती है, लेकिन न्यूक्लियर नहीं होती, वो छोटे लेवल पे होती है, होते हैं समझो, अभी नहीं होते हैं, जो ठंडी का मौसम आता है ना। हाँ, जब भी लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए आर्मी वाले, जो आर्मी वाले और एयरफोर्स वाले भी ट्रेनिंग होती है ना यहाँ पे, एयरपोर्ट से होती है, एयरपोर्ट से हमारे थोड़ा लंबा है। हाँ, लेकिन होती है, जब भी समझो हमारे पास सूचना आती है क्या? सूचना नहीं आती, वहाँ जो रेंज रहती है ना वो रेंज के अंदर अंदर ही, भाई वो पूरी जमीन आर्मी की है। अच्छा, तो जैसे मान लो कि आर्मी वालों ने एक ट्रेनिंग का वो किया, भाई वहाँ पर गोलियां बरसाई और वहाँ पर प्रैक्टिस की, तो उसके बाद में जो लोहा बच जाता है उसका, भाई मिसाइल का लोहा या फिर गोलियों का जो छलियां वलियां बच जाती है, उनका ठेका उठता है? ठेका उठता है, टेंडर भरते हैं। अच्छा, फिर भाई आर्मी वो टेंडर वाले लोग अंदर आर्मी के जो बॉर्डरी रहता ना। हाँ, वहाँ टेंडर वाले लोग जाते, उसका वो रहता है पास रहता है, गले में डालते हैं वो लोग, वो फिर वो भाई लोहे को उठाते हैं और लोहे में उठाते हैं, उन लोग को जान कर रहते हैं ये अक्का है, फूटा नहीं है। हाँ, वो अपना रखते हैं बैटरी से, वापिस उसको खोदते हैं, गड्ढा खोद के एक गड्ढे के अंदर बैठते हैं, एक गड्ढे के अंदर वायर टस्क करते हैं। तो अभी जब प्रैक्टिस होती है, जब जैसे कई बार अगर थोड़े बड़े बम अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े बहुत आवाजें नहीं है, कंपज होते हैं, समझो मेरा अभी समझो घर का दरवाजा है। हाँ, पूरा ये करते थे, पूरा ये पूरा कंपज होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है, अभी समझो रात को सोए हुए। हाँ, तो अपन ये दरवाजा ये सब खिड़की बंद कर देंगे ना। हाँ, तो दोनों तरफ वो आ जाएंगे खिड़की के, ऐसे समझो हुआ बिनती बाप, लेकिन आवाज नहीं आती। आवाज आती है ना, खिड़की पूरी हिलती। नहीं नहीं, उस बम की आवाज नहीं आती, बम की आवाज आती, बम की आवाज भी आती है और कंपन भी आती है, जैसे हवा में कंपन आती है। हाँ, हाँ। आपने जो लेबनन में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद देखा होगा ना कि एक शोक वेव गई थी। हाँ। तो चनाराम जी मुझे बता रहे हैं कि जब अभी भी प्रैक्टिस होती है, अभी तो क्या कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो तो अभी होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी कंट्री कंडक्ट कर चुकी है, लेकिन पोखरण जो रेंज है इसके अंदर रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं कभी कोई मिसाइल की, तो जब कभी भी यहाँ पर टेस्टिंग होती है उस टाइम पर जो घर के गेट हैं या फिर जो घर की खिड़कियां हैं उनके अंदर आवाज़ आती है, उस रेंज के अंदर नॉर्मल लोग नहीं जा सकते भाई, पर्टिकुलर एक पूरी रेंज है। अगर मान लो किसी चनाराम जी का जो खेत था वो रेंज के आसपास ही था, और एक बार क्या हुआ था कि कोई एक मिसाइल का टुकड़ा ये इतना बड़ा है। हाँ, ये जो रहती है ऊपर से, जैसे मान लो कि ये खेत में गिर गया फिर फटेगा, ये फटेगा सेम इतना ही है। हाँ, लेकिन फटा नहीं हुआ, फटा नहीं आका मेरे खेत के अंदर, आप उसको उठा नहीं सकते, नहीं उठा सकते, अपने हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो कभी भी फट सकते। हाँ। और ऐसे हमारे आजू बाजू गाँव वाले कई लोगों की जान गई, जान भी गई है, जान गई समझो, अभी समझो इसके अंदर क्या रहता है, पीतल रहता है। हाँ। तांबा रहता है, लोग उसको बेचने के, इसके अंदर जो आगे रहता है 500 रुपये का, एक बहुत महंगा बिकता है, महंगा रहता है एक सेट इतना छोटा। हाँ, तो के वो शक्कर के अंदर लोग फोड़ते, लोगों को लालच हो जाता है, लालच हो जाता है, लालच के वजह से हमारे गांव के अंदर कम से कम 50
आदमियों की जाने गई लालच के वजह से। और अभी अभी ये उडानिया गांव है हमारे बाजू में, वो लोग बाहर लोहारकी की तरफ से ये गाय का जो रहता है गवत वो लाते थे और लेके जाते थे अभी अकाल के अंदर। तो वो लोग क्या किया कि समझो अपना लास्ट ट्रिप हो गया, अभी हम लोग जाएंगे ये लेके जाएंगे पैसे अच्छे बढ़े के। तो वो लोग चार तो ले लिए, तो एक ने बोला कि नहीं नहीं इसको खोल के ले लेते ये ले ले बाकी लोहा छोड़ देते। तो वो लोग खोलने के चक्कर में दोनों ही चले गए और ट्रैक्टर भी गया दोनों आदमी भी गए। तो चन्नाराम जी बता रहे हैं कि जब आर्मी या फिर एयरफोर्स की जब प्रैक्टिस होते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो शेल्स वेल्स होते हैं या फिर जो बम होते हैं फटते नहीं ढंग से, लेकिन वो रेंज के अंदर ही होते हैं। लेकिन कई लोग लालच के कारण क्या करते हैं, क्योंकि जो अब मान लो कि ये आपकी मिसाइल है और इसके आगे वाले पार्ट में कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लोग लालच के चक्कर में उस रेंज के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से उनको उठा के ले आते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो भाई रॉकेट है या फिर जो मिसाइल है वो भाई ब्लास्ट हुआ हुआ नहीं होता है, वो एकदम लाइव होता है और लोग उसके खोलने के चक्कर में और कई बार वो ब्लास्ट हो जाते हैं और इसी कारण से कई लोगों की जान भी गई है और इसी कारण से भाई वहाँ पर और ज़्यादा सख्ताई हो गई होगी। सख्ताई है लेकिन लोग मानते नहीं, लालच के वजह से लोग घुस जाते हैं। सख्ताई इतने भाई लोगों की जान गई है तो पता है ना लोगों को, आसपास के लोगों जान गई है तो वो क्या सोचते हैं कि अपन ढंग से कर लेंगे, ढंग से करेंगे बैटरी से वायर से ये करेंगे। आजकल लोग बहुत ये चाने समझते हैं खुद को, खुद को चाने समझ के खुद चले जाते हैं। अभी समझो अखा गिरता है, हाँ। ये समझो अखा गिर गया अभी, हाँ। जंगल के अंदर गाय गई, हाँ। कभी कभी क्या होता है इसको गांव का पैर लगा तो फूटता है, जब वो गाय भी चले जाती है। अच्छा ऐसा भी हो जाता है? ऐसे भी होता है क्यों, जमीन के अंदर ऐसे ढह जाता है, हाँ। हमारे बैलू रहता है, हाँ। कड़क जमीन है नहीं, वो पड़ा और फूट गया वो एकदम ढह जाता है। ढह जाने के बाद में वो तो उस एरिया में वैसे जाना भी सेफ नहीं, सेफ नहीं है। अभी समझो अपन गए वाहन लेके बड़ा, हाँ। तो उसके अंदर समझो गाड़ी गुजर गई थी, गुजर गई, हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर है तो वो गलती से अगर पैर टायर उसके पर आ गया तो ब्लास्ट हो सकता है। तो अभी हम जाएंगे एक तो जो चन्नाराम जी ने एक माइंस है, किस चीज की माइंस है यार वो? ये पाउडर है व्हाइट मिट्टी का माइन, इसके अंदर कलर डाला ना ये, हाँ हाँ, टाइल का वगैरह जो कलर के लिए यूज होता है। तो अभी तो हम वहाँ पे जाएंगे कि भाई जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बाद वो माइन से वो नीचे ढह गई थी वो देखने जाएंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? खिचोलाई। ठीक है जी, नमस्कार गाइस। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो अगला गांव है खेतुलई, और रास्ते में जो चन्नाराम जी माइंस बता रहे थे उनको देखने। कितना किलोमीटर पड़ता है जी यहाँ से खेतुलई? खेतुलई जो अपना रह जाएगा 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर और वो माइंस? माइंस तो ये पड़े आधा किलोमीटर। अच्छा आधा किलोमीटर।